एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में, और ये हमारा ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर। देखिए, मैंने ज्योग्राफी के बहुत अभी मैंने दो वीडियो डाली थी, तीन वीडियो, वो मैंने इंटरनेट पर कई सारे नोट्स ढूंढे कि मुझे बनाने ना पड़े, पर वो मुझे उस तरह से नहीं मिले। और मैं यूपीएससी वाला हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी ज्योग्राफी जो है वो आपकी ज्योग्राफी से थोड़ा सा डिफरेंट होती है। तो इसलिए मैंने, ये मेरे एक फ्रेंड हैं जो पैरामाउंट से पढ़ रहे हैं और उनकी कोचिंग हो चुकी है, वो शायद अभी स्टडी कर रहे हैं, तो उनसे मैंने ज्योग्राफी के नोट्स लिए हैं और वहाँ से फिर मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूँगा। अब जो लोग पैरामाउंट में नहीं पढ़ते हैं और जो दूर दराज के रहने वाले हैं, उनके लिए ये पैरामाउंट के नोट्स हैं, ठीक है। तो अगर किसी को भी चाहिए, ये पैरामाउंट की पीडीएफ फाइल है मेरे पे, किसी को भी अगर चाहिए तो वो मुझे कमेंट में अपना सिर्फ ईमेल आईडी लिख दे, मैं उसे ज्योग्राफी के नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी के नोट्स नहीं मिलते हैं, मैंने देखा इंटरनेट पर, मैंने हिस्ट्री के मिल रहे थे, हर चीज़ के मिल रहे थे, पर ज्योग्राफी के नोट्स एक प्रॉपर मैनर में नहीं मिल रहे थे। तो अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझे अपनी कमेंट, मेरे कमेंट में अपनी ईमेल आईडी लिख दे, मैं उसको ये ज्योग्राफी के नोट्स भेज दूंगा। पर ये इंग्लिश में है, तो अगर किसी को हिंदी में चाहिए तो नहीं मिल पाएंगे, इंग्लिश में है। अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए तो वो मुझे मैसेज, रिप्लाई या कमेंट कर सकता है, मैं उसे बता दूंगा, ठीक है, और उसे भेज दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टोटल 53 पेजेस हैं इसमें, और आने वाली चार या पांच वीडियोस में मैं लगभग हर वीडियो में लगभग 8-9 पेज कवर करूँगा, और ठीक है, और इनको ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए। तो सबसे पहले हम देखिए अर्थ के बारे में जानेंगे, पूरी अर्थ की ज्योग्राफी क्या है, क्या अर्थ कैसे काम करता है, जो जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो इस नोट्स में दिए गए हैं पैरामाउंट की तरफ से, जो बताया गया है कि इम्पोर्टेंट है, सिर्फ हम वो पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। सीपीओ के लिए तो सिर्फ 7 दिन बचे हैं, और इस 7 दिनों में हमें ज्योग्राफी ख़त्म करनी है। हिस्ट्री एक बार को हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री इतना नहीं पूछा जाता सीपीओ में, ठीक है, पर ज्योग्राफी पूछा जाता है, और सीजीएल में तो हिस्ट्री भी पूछा जाएगा, तो सीजीएल तक तो हम उसे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए कोई बिना कोई वक्त गवाए। जैसे अर्थ, देखिए यह है अर्थ, तो अर्थ का शेप कैसा होता है, देखिए ये बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्थ का शेप कैसा होता है, कई बार पूछा गया है। तो कोई लग को देता है ओवल, कोई कहता है कि स्फेयर है, तो उसका शेप ना पूरा स्फेयर है ना पूरा ओवल है, उसका जो शेप है वो है जियोइड, ठीक है। अर्थ का एक अलग ही शेप आता है जियोइड नाम से, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जियोइड। अब देखिए ये आपकी अर्थ हो गई मान लीजिए, ठीक है, इक्वेटर बीच में से आपका ये जाता है, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है जो गोल गोल इसके चारों ओर होगा, ठीक है। इस इक्वेटर की सर्कमफेरेंस कितनी होती है, अगर आपने मैथ पढ़ी होगी तो सर्कमफेरेंस क्या होता है कि अगर हम अर्थ का एक चक्कर लगा दें इक्वेटर पे खड़े होके गोल, तो वो हमारी सर्कमफेरेंस कहलाएगी, ठीक है, और वो कितने किलोमीटर की हुआ है, 40,076 किलोमीटर, ठीक है, कितनी, 40,076 किलोमीटर की। देखिए 71% वाटर है और 29% लैंड है हमारी अर्थ पे, ठीक है। अब रोटेशनल वेलोसिटी की बात करें अर्थ की, ठीक है, तो जो रोटेशनल वेलोसिटी है अर्थ की वह 1670 किलोमीटर पर आवर, 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी धरती घूमती है, और एक रोटेशन को, पूरे एक रोटेशन को कितना, 23 घंटे 56 मिनट और 9 सेकेंड लगते हैं, ठीक है, 0.9 सेकेंड। तो देखिए यह हमें याद रखना है कि पूरे 24 घंटे नहीं लेती है धरती चक्कर लगाने में, वो 23 घंटे 56 मिनट और 0.9 सेकेंड लेती है। लेकिन हाँ, अगर हम दोपहर के 1 बजे से लेके दोपहर के अगले दोपहर के 1 बजे तक हम देखें तो वो 24 घंटे होते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें, जैसे ये मान लीजिए सन है, देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए हमारा जो सन और जो धरती का जो रोटेशन है ना, वो एक जगह से तो पास है यहाँ से, और यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, देखिए मैं बताता हूँ, ये यहाँ से लेके, मतलब सन से लेके इस जगह तक जो दूरी है वो लगभग 152 मिलियन किलोमीटर है, लगभग
15.2 करोड़ किलोमीटर है। इसको हम कहते हैं एपिलियन, ठीक है। एपिलियन मतलब दूर, ठीक है। एपिलियन मतलब आप कह सकते हैं कि जब दूर होगा, सबसे दूर होगा धरती के, ठीक है। जब हमारी जो धरती होगी वो सन से सबसे ज़्यादा दूर होगी, 152 मिलियन किलोमीटर दूर होगी, तब उसे हम एपिलियन कहते हैं, ठीक है। और वो होती है 4 जुलाई को, ठीक है। 4 जुलाई को हमारी धरती सन से सबसे दूर होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए पास कब होती है, पास होती है हमारी 3 जनवरी को, जिसे हम पेरिहिलियन कहते हैं, ठीक है। पास कब होती है 3 जनवरी को, जिसे हम पेरिहिलियन कहते हैं, और इसमें 149 मिलियन किलोमीटर दूर होती है, ठीक है। मतलब आपके 3 मिलियन किलोमीटर कम हो गए, ठीक है। 3 मिलियन, 30 लाख किलोमीटर कम हो जाते हैं, ठीक है। तो 30 लाख किलोमीटर छोटी हो जाती है वो, रोटेशनल जो डिस्टेंस होती है उसकी, ठीक। देखिए उसके बाद एक्लिप्स आता है। अब देखिए एक्लिप्स क्या है, आपके दो तरह के होते हैं, या तो मून आपका सन और अर्थ के बीच में आएगा, या फिर अर्थ आपकी सन और मून के बीच में आएगी। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये अर्थ है, ये मून है, ये आपका सन है, यहाँ पर आपका मून है, ये अर्थ है, और फिर यहाँ पर सन है। अब देखिए ये जो कंडीशन आपको दिख रही है कौन सी, जब तीनों एक लाइन में हो जाए, तीनों एक लाइन में हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिजीगी, ठीक है। इसको कहेंगे सिजीगी। सिजीगी मतलब जब तीनों की पोजीशन स्ट्रेट लाइन में हो जाए, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, ये हमारा सिजीगी कहलाता है। अब देखिए अब हम बात करेंगे, दो तरह के एक्लिप्स होते हैं, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, ठीक है। एक्लिप्स तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए सोलर एक्लिप्स क्या होता है, सोलर एक्लिप्स तब होता है जिसको हम कहते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। जब चंद्रमा आपके बीच में आ जाता है, सूरज के और आपके बीच में आ जाता है, जिससे क्या होता है, सूरज की रोशनी चंद्रमा में बढ़ती है और चंद्रमा में काला काला दिखाई देता है, और वो हमें ग्रहण ग्रहण की तरह लगता है, ठीक है। तब क्या होता है, तो हमें क्या होता है, उसे हम सोलर इक्लिप्स पोजीशन कहते हैं। ये मैक्सिमम ड्यूरेशन इसकी 7 मिनट 40 सेकंड होती है, और ये अमावस्या के नाम से भी हमें जाना जाता है, पर ये हर अमावस्या को नहीं पड़ता है। ये भी हमें याद रखना है कि हर अमावस्या को नहीं होता है, क्योंकि धरती कुछ हिस्से से झुकी हुई है, कुछ उसका पोजीशन झुका हुआ है, ये इसका रीज़न है। ऐसे ही होता है लूनर इक्लिप्स पोजीशन, जैसे हम फुल मून डे कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। कब पूर्णिमा, कब, जब हमारी धरती चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाती है, ठीक है। तब हमें चांद पूरा दिखाई देता है, ठीक, याद रखना आपको। तो यही हमारा पूर्णिमा होता है, और इसकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है वो 1 घंटा 40 मिनट होती है। अब लोग तो कहेंगे कि सर हमें तो पूरा चांद दिखाई देता है, पूरी रात दिखाई देता है। तो देखिए वो पूरी रात हमें लगता है कि वो पूरा चांद है, पर वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है, वो इतनी स्लोली कम हो रहा होता है कि हमें ऑब्जर्व ही नहीं होता कि हाँ यार वो कम हो गया है, ठीक। तो देखिए इक्लिप्स डू नॉट टेक प्लेस ऑन एवरी न्यू मून एंड फुल मून डेज, बिकॉज दिस इज ए 5 डिग्री टिल्ट बिटवीन ऑर्बिटल प्लेन्स ऑफ द अर्थ एंड द मून, ठीक है। देखिए वो क्या कह रहा है कि इक्लिप्स जो होता है, मतलब जो ग्रहण होता है, वो हमें हर पूर्णिमा को या फिर हर अमावस्या को नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक 5 डिग्री का लगभग झुकाव का डिफरेंस है, किसके बीच में, अर्थ के बीच में और मून के बीच में, चंद्रमा और धरती के बीच में 5 डिग्री का अर्थ अंतर है, इस वजह से वो हमें हर बार नहीं दिखाई देता है, ठीक। देखिए टोटल एक साल के अंदर 4 से 7 इक्लिप्स होते हैं, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक। अब देखिए ये क्या है, ये देखिए आपको ये अम्ब्रा और पेनम्ब्रा, ठीक है, ये क्या होते हैं, देखिए डार्केस्ट शेड्स और पार्सली शेड्स, ठीक है। तो देखिए जब भी हमारा फुल मून पड़ता है, तो या फिर हमारा कहें तो एक्लिप्स पड़ता है, तो उसमें एक डार्कर शेड आ जाती है, जो डार्कर शेड होती है ना, वो हमारी अम्ब्रा कहलाती है, और उसके साइड में कुछ हल्की हल्की सी रोशनी रहती है, हल्की हल्का सा शेड रहता है, ठीक है, वो हमारा जो पार्सली शेड होता है वो हमारा पेनम्ब्रा कहलाता है, ठीक है, जिसे हम हेजी मून भी कह सकते हैं, ओके। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक्लिप्स वाला हिसाब खत्म हो गया, हमने आपको अर्थ के बारे में बता दिया। अब आते हैं हम मून की वजह से और सन की वजह से क्या क्या चीज़ें धरती पर इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आएगा यार कि मून की वजह से तो ज्वार भाटा आता है,
ठीक है, मुंबई में आपने देखा होगा, गुजरात में तो कोस्टल एरियाज में ज्वार भाटे आते हैं, वो हमारे मून की और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है उनमें और क्या देखा जाता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला टाइड, जिसे हम कहते हैं ज्वार या कहें भाटा। ठीक है, टाइड और ईबीबी, देखिए ज्वार आपका टाइड और ईबीबी को हम भाटा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब भी आपका जो पानी का लेवल है वो राइज करेगा, राइज का मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है, वो आपका टाइड कहलाएगा। और वो जितनी बार वो नीचे आएगा उतनी बार वो फॉल मतलब ईबीबी कहलाएगा। ठीक, ये किसकी वजह से होता है, ये देखिए, ये होता है ग्रेविटेशनल ऑफ द मून एंड द सन, चंद्रमा और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये एक फिगर बनाया है, आप इस फिगर में समझने की कोशिश करिए कि देखिए, जैसे ये अर्थ है आपकी, ठीक है, यहां पर आपका मून है, ठीक, और यहां कहीं आपका सन होगा ऊपर यहां। तो अब देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स किसका ज्यादा है, मून का ज्यादा है, तो क्या होगा कि यार यहाँ का हिस्सा तो पानी का ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और इधर का हिस्सा जो होगा, जो सूरज के सामने पड़ रहा होगा, वो नीचे चला जाएगा, मतलब 90 डिग्री पे ये वर्क कर रहे हैं। देखिए, ये अगर नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये अगर नीचे जा रहा है तो फिर ये ऊपर जा रहा है, मतलब 90 डिग्री पे है सब एक दूसरे के। और जो सेम कंडीशन है टाइड वाली, वो एक दूसरे के एकदम 180 डिग्री पे है। ठीक है, ये हमें याद रखना। और ये किस वजह से होता है, देखिए, एक जो टाइड थी, जो जिस तरफ मून था, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि वो मून की तरफ है। पर जो मून की तरफ नहीं है उसमें भी टाइड उठ रही है, वो किस लिए उठ रही है, वो उठ रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि यार, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। या अब ये देखिए, यहां से लेकर लगभग मून को यहां तक जाने में लगभग 52 मिनट लगते हैं। ठीक है, 52 मिनट लग गए, और यहां तक आने में लगभग आपको 12 घंटे और 26 मिनट लग गए। ठीक, ये आपको याद रखना है, 180 डिग्री जाने में। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर किसी भी प्लेस पे, ठीक है, जो अर्थ होती है वो मून को अपने सर के ऊपर, मतलब जहां पर वो पहले था, दोबारा उसी जगह पर कब देखती है, दोबारा उसी जगह पर देखती है 24 घंटे और 52 मिनट बाद। कैसे, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री जाने में उसे टोटल 12 घंटे और 26 मिनट लगते हैं, तो 360 मतलब वापस आने में कितना लगेगा, 24 घंटे और 52 मिनट, सिंपल सा है। ठीक, और अब ये देखिए, वही मैंने आपको बताया कि अगर ड्यूरेशन, देखिए मैं आपको ड्यूरेशन दिखाता हूँ, ऊपर आके देखते हैं। देखिए, अगर एक टाइड यहाँ उठ रहा है, ठीक है, मून आपका यहाँ पर आ गया, ठीक, कितने टाइम बाद आया, यहाँ पर आएगा 12 घंटे और 26 मिनट बाद। डूबता तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भी टाइड उठेगी, क्यों, क्योंकि मून अब यहाँ पर आ गया। तो वही हम पूछ रहे हैं कि अगर, ठीक है, ड्यूरेशन हम देखें एक टाइड से दूसरे टाइड के बीच में, मतलब एक जगह है, जैसे मान लीजिए मुंबई में जुहू बीच पे 9 बजे आपका टाइड आया, तो दूसरा टाइड कब आएगा, दूसरा टाइड सुबह की 9 बजे या शाम की 9 बजे, मतलब ठीक 12 घंटे 26 मिनट बाद दूसरा टाइड आएगा। क्यों, क्योंकि सामने कहीं 180 डिग्री पे मून पहुंच गया है, जहां पर, वहां पर अब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और हमारे यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से टाइड उठ रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया टाइड के बारे में। पर अगर फॉल की बात करें, ईबीबी की बात करें, तो वो उसमें क्या है, 90 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अभी यहां पर टाइड आ गया है, तो ये पानी नीचे कब जाएगा, ये पानी का ईबीबी कब होगा, ये पानी का ईबीबी होगा 6 घंटे और 13 मिनट बाद, क्योंकि ये तो 90 डिग्री के सेट पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टाइड का सिस्टम। ठीक, अब देखिए, अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की बारे में,
तो जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट है और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट है वो 2:1 में बटा हुआ है। मतलब मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो धरती पर सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से दुगना लगता है। ठीक, हमें याद रखना है बात। अब देखिए, दो प्रकार की आपकी टाइट्स होती हैं, दो प्रकार की टाइट्स होती हैं, पहली हाई या फिर स्प्रिंग टाइड, ठीक है, जिसको हम फुल मून या फिर न्यू मून भी कहते हैं, जो आपकी सिजगी वाली कंडीशन में आती हैं, जब आपका मून, धरती और सन एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है, कब? देखिए, ये आपका मून है, इसका भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, प्लस सन है, इसका भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मतलब डबल लग गए, तो टाइड और ऊपर जाएगी, तो टाइड और ज़्यादा उठेगी, और जब यहाँ पर टाइड ज़्यादा उठी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो क्या होगा, सामने भी और ज़्यादा उठेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और यहाँ पर क्या है, और उतना ही नीचे जाएगा, ठीक है, पानी उतना ही नीचे जाएगा, ईबी भी उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट होता है आपका लूप या फिर वो लो या फिर नीप टाइड। ठीक है, ये क्या होता है, ये महीने के 7वें या फिर 21वें दिन होता है, जिसको हम लूनार मंथ कहते हैं। ठीक है, और ये जो टाइड होता है ना, ये नॉर्मल टाइड से कम होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, उतना पानी नहीं उठता, उतना टाइड नहीं आता जितना नॉर्मली आना चाहिए। ठीक है, ये होता है अमावस्या वाले दिन, देखिए 21st डे। ठीक है, यहाँ पर आधा मून दिखता है धरती का। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर फुल मून हो गया, यहाँ पर फिर से आधा मून हो गया, फिर यहाँ पर फुल मून हो गया। इस वजह से यहाँ पर क्या है, नॉर्मल लीन और लो और नीप टाइप में कम टाइड आता है। ठीक है, अब देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा टाइड वाली जगह, जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइड आता है, ठीक है, वो कौन सी जगह है, वो आपका है बे ऑफ फंडी, बे ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी, ये कहाँ पर है, कनाडा में। ठीक है, कनाडा में है बे ऑफ फंडी या पर फंडी की खाड़ी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइड आते हैं। और इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइड कहाँ पर आता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइड आता है आपका ओखा गुजरात, कहाँ पर आता है, ओखा गुजरात में। ठीक, तो देखिए, ये आपका उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूड्स, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स। ठीक है, 4 पेज हमने कवर कर लिए हैं टोटल, ये आपके नेक्स्ट वीडियो के लिए हम टॉपिक छोड़ रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स से। ठीक है, आगे के टॉपिक, यहाँ पर आपके हाई टाइड्स वगैरह, अर्थ वगैरह खत्म हो गए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।